हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 9 के लिए क्षेत्रमिति का वीडियो लेकर आए। इसमें है त्रिभुज और चतुर्भुज के क्षेत्रफल तथा परिसीमा हल करें 15.1 का 5 नंबर का सवाल। 5 नंबर का सवाल में देखिए, सुहास परिवार के आयताकार जमीन का क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर, जमीन की लंबाई 3 मीटर कम और चौड़ाई 2 मीटर बढ़ा दी जाए तो जमीन वर्गाकार हो जाता है। तो सुहास परिवार के जमीन की लंबाई और चौड़ाई, देखिए यहाँ पे जमीन का लंबाई चौड़ाई दोनों हमें निकालने के लिए बताया गया है, लेकिन यहाँ पे कहीं भी लंबाई और चौड़ाई नहीं दिया है, उसका एरिया दिया हुआ है, ठीक है। और ऐसा दिया हुआ है कि अगर जमीन का लंबाई को 3 मीटर कम कर दी जाए और चौड़ाई को 2 मीटर बढ़ा दी जाए तब कहता है कि जमीन वर्गाकार हो जाएगा। तो देखिए इसको फिगर के हिसाब से आप देख सकते हैं कि जैसे जमीन ये है इसका आयताकार, ठीक है। अभी फिलहाल हमें मालूम नहीं है कि जमीन का लंबाई कितना है, तो x मीटर अगर हम लंबाई मान लेते हैं और चौड़ाई को y मीटर मान लेते हैं, ठीक है। तो ये जमीन वर्गाकार कब हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये जमीन वर्गाकार तब हो जाएगा जब x में क्या करें 3 मीटर घटा दें, मतलब इसका लंबाई को क्या करें 3 मीटर घटा दें और चौड़ाई को बढ़ा देना पड़ेगा। चौड़ाई को कितना बढ़ा दें, तो चौड़ाई इसका हो जाए y प्लस 2। गौर से देखिए तभी समझ में आएगा। तो ये जो है इसका चौड़ाई हो गया। अब ये ज़मीन कैसा हो गया, ये ज़मीन अब वर्गाकार हो गया, यानी लंबाई चौड़ाई दोनों भी क्या हो गया, इसका बराबर हो गया। क्लियर है। तो फिलहाल जो प्रारंभ में दिया हुआ है कि आयताकार जमीन है जिसका लंबाई x मीटर है, चौड़ाई y मीटर है, ठीक है। परंतु जब इसका लंबाई को घटा करके 3 मीटर कम कर दी जाती है तो इसका लंबाई x माइनस 3 मीटर हो जाएगा, तो चौड़ाई y प्लस 2 मीटर हो जाएगा, क्योंकि इसका चौड़ाई क्या किया, बढ़ा दिया गया है, तभी तो ये वर्गाकार बन पाएगा। अब ये ज़मीन वर्गाकार बन गया है। जब ज़मीन वर्गाकार बन गया है तब पूछा जा रहा है कि अब बताइए कि इसका जब एरिया 500 वर्ग मीटर है तो ये जो ज़मीन जब वर्गाकार बना है, ठीक है, तो उसमें लंबाई और चौड़ाई घटाने से, जो लंबाई को घटाने से और चौड़ाई को बढ़ाने से जो वर्गाकार ज़मीन बना है, ठीक है, उस हिसाब से अब हमको ये निकालने के लिए कहा गया है कि पहले ज़मीन का लंबाई और चौड़ाई कितना था, ठीक है। तो अगर हम यहाँ इसे लिखें, माना कि प्रारंभ में जमीन का लंबाई बराबर x मीटर तथा चौड़ाई बराबर y मीटर, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जमीन का क्षेत्रफल कितना दे दिया है, 500 वर्ग मीटर, या जमीन का क्षेत्रफल यानी लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो लंबाई गुना चौड़ाई बराबर कितना हुआ, 500 वर्ग मीटर। अब लंबाई के जगह x बैठाएंगे तो x इंटू वाई बराबर कितना, 500 वर्ग मीटर। अब लंबाई चौड़ाई जो दिया हुआ है तो एक्स वाई बराबर कितना हो जाएगा, 500 वर्ग मीटर, ठीक है। या फिलहाल यहाँ पे वर्ग मीटर हम हटा देते हैं, कैलकुलेशन करते समय हटा सकते हैं, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, ज़रूरत पड़ेगा तो एक्स वाई का मान बैठाएंगे, ठीक है। अच्छा, पुनः अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब कहा है कि जब लंबाई को घटाकर 3 मीटर कम कर दी जाए, जमीन का लंबाई बराबर x माइनस 3 मीटर और जमीन का चौड़ाई बराबर y प्लस 2 मीटर, मतलब कहा है कि जमीन का लंबाई 3 मीटर कम कर दी जाती है और जमीन का चौड़ाई 2 मीटर बढ़ा दी जाती है, तब ये दोनों क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, मतलब ये दोनों भुजा बराबर हो जाता है, ठीक है। तो चूंकि
एक्स माइनस थ्री बराबर वाई प्लस टू ऐसा हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर हो जाता है। कब? जब लंबाई को घटाया 3 मीटर और चौड़ाई को जोड़ दिया 2 मीटर, तो लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या हो गया? बराबर हो गया। तो हमारा एक इक्वेशन आ गया x माइनस थ्री बराबर वाई प्लस टू, और इसमें अगर करें x माइनस वाई तो इधर आ जाएगा 3 प्लस 2, 3 को बराबर के इधर कर लिए हैं, और x माइनस वाई बराबर आ गया है 5। ठीक, इसको समीकरण दो कर लेते हैं। अब देखिए समीकरण एक और दो में एक्स वाई का मान समीकरण एक में दिया हुआ है और एक्स माइनस वाई का मान समीकरण दो में दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ x प्लस वाई निकाल पाएँ तो बहुत अच्छा बात हो जाएगा। तो चूंकि एक सूत्र देते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर x माइनस वाई का होल स्क्वायर और प्लस 4ab, ये हम लोग जानते हैं सूत्र होता है a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 4ab। तो उस हिसाब से अगर x प्लस वाई का होल स्क्वायर निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy हो जाएगा। अब देखिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पे देखिए मान हमको समीकरण दो में मिला हुआ है, कितना मिला हुआ है? 5, 5 का होल स्क्वायर कर देंगे और प्लस 4 xy के जगह पे क्या कर देंगे? यहाँ देखिए समीकरण एक में मान निकला हुआ है 500 कर देंगे। x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 25 हो जाएगा और प्लस यहाँ पे 5 चौक 20, यानी 20 इस पर कितना जीरो? 2 जीरो, यानी 2000 हो गया। अब इसको अगर जोड़ देते हैं तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2025, और x प्लस वाई बराबर अगर निकालना चाहेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा 2025। एक्स प्लस वाई बराबर, इसको अगर तोड़ेंगे तो 45 × 45 करिएगा तो आएगा 2025 बराबर आ जाएगा 45 मीटर। ठीक है, अब इसको हम समीकरण तीन कर देते हैं। अब यहाँ पे गौर से देखिए समीकरण तीन और समीकरण दो, ये दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो क्या हमें मिलता है? समीकरण तीन तथा दो को जोड़ने पर, क्योंकि हमको लंबाई और चौड़ाई निकालना है, ठीक है, इसलिए x और y को अलग अलग निकालना है। तो तीन में है x प्लस वाई बराबर 45, और चार में है x माइनस वाई बराबर 5। ये देखिए चार में समीकरण तीन है और समीकरण दो में, देखिए दो में है x माइनस वाई बराबर 5, है कि नहीं है? अब इसको अगर हम जोड़ते हैं तो ये कट जाता है, 2x बराबर आता है 50, इसलिए x बराबर आता है 50 डिवाइडेड बाय 2, कट के आता है 25। ठीक, कितना आ गया कट के? 20। इसलिए x बराबर 25 मीटर। अब x का मान आप एक में दो में जहाँ भी रखना चाहें रख सकते हैं, तो अच्छा होगा तीन में रखने का। x का मान तीन में रखने पर, अगर x का मान तीन में रखेंगे तो चूंकि x प्लस वाई बराबर कितना दिया है? 45 समीकरण तीन में, अगर x का मान रख देते हैं 25 प्लस वाई बराबर 45, और y बराबर अगर निकालना चाहेंगे तो 45 माइनस 25 बोलिए क्या हो जाएगा? 20। इसलिए अब आयताकार जमीन जो प्रारंभ में दिया था, आयताकार जमीन जिसका कि जमीन का लंबाई 25 मीटर तथा चौड़ाई बराबर 20 मीटर, और यही इसका आंसर आ गया। क्लियर? तो इस तरीके से हम लंबाई चौड़ाई निकाल सकते हैं।
अब आपके सामने एक और सवाल आ गया, इसको गौर से देखिए। 6 नंबर, हम लोगों के गांव के एक वर्गाकार जमीन के प्रत्येक भुजा की लंबाई 300 मीटर है। इस जमीन के चारों ओर से समान ऊंचाई की 3 डेसीमीटर चौड़ाई वाले दीवार बनाकर घेरा देना चाहता है, ठीक है। तो गणना करके बताएं कि अगर 100 वर्ग मीटर मतलब दीवार बनाने में 15,000 रुपया खर्च होता है, ठीक है, तो पूरा दीवार चारों तरफ से बनाने में कितना खर्च होगा, ठीक है। आप इसको ऐसे समझिए कि एक जमीन है, किस तरह का जमीन है, वर्गाकार जमीन है। चलिए ये वर्गाकार जमीन होगी। अब इसके चारों तरफ से दीवार देना चाहता है और ये जो दीवार है वो 3 डेसीमीटर चौड़ा है, ये देखिए ये वाला दीवार है, कितना चौड़ा है दीवार, 3 डेसीमीटर चौड़ा दीवार है। ये लंबाई कितना है, 300 मीटर, चौड़ाई भी इसका कितना होगा, 300 मीटर, क्योंकि ये वर्गाकार है, वर्गाकार जमीन का लंबाई बराबर 300 मीटर। इसलिए इसका पूरा एरिया निकाल लीजिए, जमीन का क्षेत्रफल बराबर भुजा का होल स्क्वायर यानी लंबाई का होल स्क्वायर 300 का होल स्क्वायर, 3 × 3 = 9 और कितना 0 = 4 वर्ग मीटर। ये तो पूरा जमीन हो गया, लेकिन देखिए ये जो दीवार जो बनाया गया है वो 3 डेसीमीटर है, तो 3 डेसीमीटर का दीवार अगर है तो दीवार छोड़ करके अगर हम इसका लंबाई देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक आएगा और यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई आएगा वो कितना होगा, तो ये होगा 299.4। कैसे होता है देखिए बताते हैं, दीवार का चौड़ाई कितना है, चौड़ाई दीवार का, दीवार का चौड़ाई है 0.3 डेसीमीटर है, ठीक है, इसको हम लोग मीटर में बदलेंगे, पहले 3 डेसीमीटर लिख लेते हैं, 3 डेसीमीटर, ठीक है, इसको हम 0.3 मीटर में बदल लेंगे क्योंकि उसका लंबाई मीटर में दिया हुआ है। अब आप ये देखेंगे कि जैसे ये आपका वर्गाकार जमीन था, इसमें आप दीवार जो बना दिए हैं ये आपका दीवार है, ठीक है, तो ये जो दीवार है तो इसको अगर हम छोड़ करके इसका लंबाई देखें, इसको गौर से समझिए, तो यहाँ पे 3 डेसीमीटर और यहाँ भी इसका 3 डेसीमीटर, तो 3 × 3 = 6 डेसीमीटर इसका घट जाएगा। तो 6 डेसीमीटर अगर घटेगा तो इधर भी वही हाल होगा। तो अब अगर हम लिखें यहाँ पे कि दीवार छोड़कर जमीन का लंबाई, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, 300 - 0.3 × 2, ये समझ में आ गया, 300 - 0.6, अब ये मीटर में हो गया क्योंकि हम लोग यहाँ पे डेसीमीटर को मीटर में बदल लिए हैं, ठीक है, ये वाला बराबर आएगा 299.4 मीटर, इसको जब माइनस करेंगे तो आएगा 299.4। अब अगर दीवार छोड़कर जमीन का क्षेत्रफल निकालें, इसलिए दीवार छोड़कर जमीन का क्षेत्रफल अगर निकालें तो कितना आएगा, 299.4 का होल स्क्वायर आ जाएगा। इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो जो मान आता है, इसको मल्टीप्लाई करके आप देख लेंगे, इसका मान आएगा 8964
40.36, 4×16, ठीक है, इतना वर्ग मीटर इसका एरिया आ गया, ठीक है, दीवार छोड़कर। तो अब केवल दीवार का, चूंकि दीवार का खर्च यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वो जो दीवार बनाएगा तो उसका खर्च कितना पड़ेगा, है ना, तो उसको निकालने के लिए हमको केवल दीवार का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो अब देखिए यहाँ पे, इसलिए दीवार का क्षेत्रफल बराबर क्या होना चाहिए, 9000 कितना हुआ था, 90000 माइनस 89640.36, ये इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, इसको जब माइनस करेंगे तो आएगा 359.64, इसको माइनस करके आप देख लेंगे इतना वर्ग मीटर आ गया किसका, तो ये दीवार का क्षेत्रफल आ गया। अच्छा, दीवार को जो बनाया जा रहा है उसको किस हिसाब से बनाया जा रहा है, यहाँ बोला गया है कि 100 वर्ग मीटर दीवार बनाने में 5000 रुपया खर्च होता है, तो इतना वर्ग मीटर दीवार बनाने में कितना खर्च होता है, चूँकि 100 वर्ग मीटर दीवार बनाने का खर्च बराबर 5000 रुपया, ठीक है। तो आप बताइए कि एक मीटर, अगर एक वर्ग मीटर दीवार अगर बनाना चाहा तो कितना खर्च होगा, 5000 डिवाइडेड बाय 100 यानी 50 रुपया खर्च हुआ, लेकिन दीवार बनाना कितना है, देखिए 359.64, ठीक है, तो इसलिए 359.64 वर्ग मीटर दीवार बनाने का खर्च बराबर 50 को मल्टीप्लाई कर देंगे कितना से, 359.64। अब जो है इसको दशमलव हटाने के लिए 50 × 5 = 359.64 अब बटे क्या करेंगे, 100 करेंगे क्योंकि दशमलव हटा दिए, 2 से काट देंगे, 359.64/2। अब इसको अगर हम भाग देते हैं, 3 × 3, उसके बाद 2 × 2 कर दिए हैं, 2 × 7 = 14, 2 × 9 = 18, 2 × 8 = 16, 2 × 8 = 16 और 2 × 2 = 4, इतना रुपया खर्च हुआ, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे प्राप्त हो गया कि दीवार बनाने में कुल खर्च कितना हो गया, इसलिए दीवार बनाने में कुल खर्च बराबर 17982 रुपया, और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो गया 17982 यानी 17982 रुपया खर्च हुआ, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे सब्सक्राइब करें और अन्य दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।